दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई स्प्रिंग वाली पटासगन तैयार करो, और आज हम भाई स्प्रिंग वाली पटासगन तैयार करने वाले हैं। तो स्प्रिंग वाली पटासगन तैयार करने के लिए जो जो सामान लगेगा ना, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई जो मेन पार्ट है वो है ये नोजल। अभी आप ये जो नोजल देख रहे हो ना, ये आपको भाई जो इंजन की स्पेयर पार्ट की दुकानें होती है ना, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। एक तो हमें भाई नोजल चाहिए, इसका अभी देख लो भाई, आगे का जो होल है ना बहुत खुला है और पीछे से होल थोड़ा सा किया हुआ है। तो इस तरीके की हमें नोजल खरीदनी है, और इसके लिए एक टिमरी भी चाहिए, वो भी आप खरीद लेना। और इसके बाद बारी आती है भाई पैप की। अभी मेरे पास ये आप देख सकते हो, अभी दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इतनी मोटी पैप है, ये सी क्लास की पैप होती है भाई, इसे सी क्लास पैप कहते हैं, और ये सी क्लास की 1.25 इंच की पैप है। इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ स्प्रिंग पटासगन बनाने के लिए। और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं बार बार स्प्रिंग पटासगन, तो उसके लिए भाई हमें स्प्रिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और ये रहा भाई 1 फुट का स्प्रिंग, ये भाई सी क्लास पैप में आसानी से आ जाता है, 1.25 इंची पैप में ना, ये देखो आसानी से आ जाता है। तो ऐसा हमें एक स्प्रिंग भी चाहिए होगा। ये फिर से बता रहा हूँ भाई, इसकी जो लंबाई है 1 फुट है, यानी कि 12 इंच। इसके बाद भाई हमें एक सरिया की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ पटाखा फूटेगा। तो मेरे पास ये 14 इंच का सरिया है, ये दीवारों में सरिया जो डाले जाते हैं ना, वो वाला सरिया है। तो एक सिरे पर हम जो वायरिंग की गोली होती है वो लगा लेंगे, जिसके साथ खींचना आसान हो जाएगा इसे, और इसे आगे से गोल भी करूंगा। वो आगे आप सारा प्रोसेस देखोगे मैं किस तरीके से तैयार करूंगा। भाई यही है मेन 4 चीज़ें जो मैंने आपको दिखा दी, और जो थोड़ा बहुत सामान है जैसे वाशर हो गई, और कोई थोड़ी बहुत ही चीज़ की हमें जो जरूरत पड़ेगी वो आगे आप वीडियो में देख लोगे। तो ठीक है भाई, अभी काम की बातें हो चुकी है ख़त्म, और अब बारी है स्प्रिंग पटासगन तैयार करने की। तो चलो शुरू करते हैं।
दोस्तों हमारी स्प्रिंग वाली पटास गन बिल्कुल रेडी हो चुकी है चलाने के लिए। वैसे पहले आपने देख लिया था भाई, मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या सामान लगा है, और जब इसको तैयार किया तो आपने देख लिया भाई कैसे कैसे सामान लगा है। तो एक बार फिर से आपको दिखाई देता हूँ। तो अभी मैं न्यूजल खो रहा हूँ भाई, तो ये यहाँ पर किल आ जाता है भाई, इसको थोड़ा सा खींच कर फिर हमें इस न्यूजल को लगाना है ब्रूद के साथ भरकर। और ब्रूद भी मैं ले आया हूँ भाई, ये रहा ब्रूद, तो ये 1 किलो ब्रूद है। इसके साथ जितने हम पटाखे फोड़ने चाहें उतने हम पटाखे फोड़ सकते हैं भाई। इस स्प्रिंग वाली पटास गन को तैयार करना बहुत ज्यादा आसान है और ये सक्सेस ही है भाई, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। हमें भाई एक चीज के बारे में पता करना है, वो है न्योजल। न्योजल को भाई हम दोनों तरफ से पूरा मसाले के साथ भरकर पूरे 10 पटाखे फोड़ेंगे और फिर हमें पता चलेगा क्या ये गर्म होती है, ये कितना गर्म होती है, क्या हम इसके साथ लगातार पटाखे फोड़ सकते हैं या हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा, वो आगे आप देखने वाले हो। अभी मैं पटाखे फोड़ना शुरू करता हूँ और आप पटाखे गिनना शुरू करो। तो भाई अभी हम पहले पटाखे से शुरू करेंगे काम। तो सबसे पहले मैं अभी ब्रूद भर रहा हूँ भाई न्योजल में। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा, उसके बाद लगातार 10 पटाखे फूटेंगे। तो अभी सबसे पहले हम ना आगे से ब्रूद भरते हैं अच्छी तरह से। ये लो भाई, पूरा ठोस कर आगे से ब्रूद को भर लिया। तो अभी थोड़ा सा हम पीछे डाल लेते हैं, अभी ये भी ओके हो चुका है। अभी यहाँ पर ना थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसके साथ क्या है कि पीछे को धुआं नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बाहर को भी ब्रूद निकाल देते हैं ना, तो जो पटास है उसके बैक साइड धुआं बाहर निकल आता है। थोड़ा सा और अंदर से सेट कर देते हैं इसको, ठीक है भाई। पीछे से तो बस भाई चिंगारी लगनी होती है, सारा ब्रूद आगे से फटेगा उसके साथ ही बड़ा ब्लास्ट होगा। ओके, तो अभी हाथ के साथ ही ब्रूद भर रहा हूँ भाई। तो अभी हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये लो भाई, अभी न्योजल लग चुकी है। चलो भाई, अभी ये है हमारा पहला पटाखा और इसके बाद लगातार 10 पटाखे फूटेंगे। तो ये लो भाई, भाई अभी अभी मैंने जो 10 पटाखे फोड़े ना, वो लाजवाब थे। और भाई अगर हम न्योजल की बात करें भाई, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई, इसके साथ हम जितने पटाखे फोड़ना चाहें उतने फोड़ सकते हैं भाई। ये स्प्रिंग वाली पटास गन आपकी डिमांड पर वीडियो बनी है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, आपने कमेंट किया था कि भाई स्प्रिंग वाली पटास गन बनाओ। और मेरे बनाने से पहले भाई बहुत सारी मार्केट में ये स्प्रिंग वाली पटास गन अवेलेबल है और बिक रही है। और भाई कोई मेरा भाई घर पर बनाना चाहता है, जिसके पास टूल है वो बनाना चाहता है, उसे नहीं पता था, तो हमारी वीडियो देखकर वो अच्छे से बना सकता है। अगर भाई कोई मेरा भाई ये कहे कि भाई इस पटास गन को तुम कितने स्टार देना चाहते हो, मैं तो 5 स्टार ही दूंगा भाई। ये बहुत बढ़िया चीज है यार, एक तो भाई बैक साइड बिल्कुल भी धुआं नहीं आता है। एक न्योजल में जितना पटाखा हम फोड़ते हैं ना भाई, जो साउंड बनती है ना, आपने भी सुनी है, सिरा लग जाता है भाई। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और हाँ भाई, अभी मैंने ये जो न्योजल है ये मार्केट से लेकर आया था और ये मैंने स्प्रिंग वाली पटास गन बनाई है। बिल्कुल ऐसी ही मैं एक बिग स्प्रिंग वाली पटास गन नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, और उसमें भाई खुद हम एक अपनी खुद की न्योजल तैयार करेंगे, जो थोड़ी सी बड़ी होगी, जिसमें ज्यादा ब्रूड डलेगा और ज्यादा ब्लास्ट होंगे। अभी बस इसके बाद उसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम शुरू करने वाला हूँ। तो फिर से हम वापस आते हैं भाई इसी स्प्रिंग वाली पटास गन के ऊपर। भाई मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था और मुझे ये आइडिया नहीं मिला ये किस तरीके से बनती है। तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने स्प्रिंग वाली पटास गन तैयार की है, और इस आइडिया की हमारे और दोस्तों की भी जरूरत हो सकती है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और भाई आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो हमने स्प्रिंग वाली पटास गन बनाई है ये आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो, और अगर आप नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब आने वाले नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो अब हम मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।